हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और बात करेंगे आपके जो फिजिकल साइंस की कट ऑफ अब की बार क्या रहेगी। सभी बच्चों के मन में यही क्वेश्चन है कि सर हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, और यही सभी के कमेंट आ रहे हैं कि मेरे इतने नंबर हैं, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊँगा। सबसे पहले आपका जो रिजल्ट है वो 1 वीक के अंदर जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है आपका स्कोर कार्ड और आपकी जो कट ऑफ है अब की बार एक साथ ही जारी की जाएँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं आपकी कट ऑफ की। जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी अभी कट ऑफ रहेगी 98 नंबर के आसपास, 96, 97, 98, 99, इन चार नंबरों के बीच में आपकी जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है नेट की वो आपकी रहेगी। बात करते हैं EWS की। EWS की आपकी कट ऑफ रहेगी 84, 85 या फिर 86 नंबर के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। OBC और EWS में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। OBC और EWS की कट ऑफ हो सकती है आसपास रहे, यानी कि 81, 82, 83 OBC की कट ऑफ है जो वो रह सकती है। SC कैंडिडेट 65, 66, 67 नंबर, इनके इर्द गिर्द आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है SC कैंडिडेट की। बात करते हैं SC की, यानी कि जो ST हैं, शेड्यूल ट्राइब बच्चे हैं, उनकी अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, उनके नंबर रहेंगे आपके 51, 52 या 53 नंबर के आसपास। इसके आसपास आपकी जो कट ऑफ है CSER नेट फिजिकल साइंस की रहने वाली है। आप लोगों के कितने मार्क्स हैं कमेंट कर जरूर बताएं। आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा कि आपके कितने चांसेस हैं कि आपका नेट निकल जाए या फिर आपका JRF हो जाए। 1 वीक के अंदर आप अपना रिजल्ट है जो वो NTA की साइट पर आपका अवेलेबल होगा। तो मेक श्योर, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं और आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग आप हर अपडेट चाहते हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।